सुप्रभात बच्चों, आज मैं कक्षा यूकेजी का हिंदी विषय लूंगी। तो सारे बच्चे अपने बुक निकालें स्वर ज्ञान को और पेज नंबर 10 को ओपन करें। आज मैं यूकेजी क्लास को चार वर्णों से बने बिना मात्रा के वाले शब्दों को पढ़ाऊंगी। इससे पहले प्रीति मैम ने आपको दो वर्णों और तीन वर्णों वाले से बने बिना मात्रा वाले शब्द को पढ़ाया था। आज मैं क्या पढ़ाऊंगी, चार वर्णों से बने बिना मात्रा वाले शब्द। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक एंड कॉपी ऑल्सो। सब बच्चे अपने कॉपी या बुक्स को निकालिए। चार वर्णों से बने, चार वर्णों से बने से बने बिना मात्रा वाले शब्द। ओके, चार वर्णों से बने बिना मात्रा वाले शब्द, जिसको हम अमात्रिक शब्द भी बोलते हैं। ओके, बिना मात्रा वाले शब्द या अमात्रिक शब्द। जैसे ब र त न, ये सब क्या है? ब र त न, ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। जब इन चारों वर्ण को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बर्तन। ओके, ठीक उसी तरह अ ज ग र, ये क्या है? चार वर्ण है। ठीक है, ये क्या है? चार वर्ण दिया हुआ है अ ज ग र। इन चारों वर्णों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अजगर। क्लियर? सी बुक में देखिए, अ च क न अचकन, त र क श तरकस, श ल ज म सलजम, प न घ ट पनघट, च म चम चमचम, छ म छम छमछम, म र ह म मरहम, श ब न शबनम, क र व ट करवट, सल स ल व ट सलवट। इस तरह ये सारे वर्ड को बोल बोल के याद करनी है, वाक्यों को पढ़िए। अब ये चार वर्ण से शब्द बन गया है, अब इन शब्दों से आपको वाक्यों को पढ़ना है। द श र थ, चार वर्ण है ये आपके। द श र थ दशरथ उठ, दशरथ उठ। क स र थ कसरत, क र कर कसरत कर। इस तरह से आपको सारे पढ़ने हैं। ओके, अब आपको कॉपी में कुछ वर्क दिए जाएंगे, उस वर्क को आप सभी को बनानी है। हेडिंग आप ये दीजिए, चार वर्णों से बने अमात्रिक शब्द बनाओ। ये आप लोग सब कॉपी में राइट डाउन करो, हेडिंग होनी चाहिए। म र ह म उ प व न ख त म ल। स ल ज म, ये कॉपी में राइट डाउन कीजिए, इसको ये बनानी है। ओके, ऑल ऑफ यू राइट डाउन।
श र ब त र स र त ब र ग द उसको लिखिए जल्दी झ प ट च म च म इनको बनानी है। ओके, चार वर्णों से बने शब्द को बनानी है। ये कॉपी में आप बनाओगे। आज का होमवर्क लिखिए एस डब्ल्यू। होमवर्क कॉपी में बनाए। ओके, स्वर ज्ञान पेज संख्या 10 और 11 बनाए। सॉरी याद करें। दस एवं इलेवन याद करें। पेज संख्या 12 इसको बनानी है। देख के जैसे भगवत कसरत, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, भगवत कसरत ब्रैकेट में आपके हिंट दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या लिखाएगा, बस भगवत कसरत कर या चल या पर क्या लिखाएगा, उसको आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और उसको लिखना है। सबनम टमटम पर पकड़ चहर अकर क्या होगा, इस पे जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको पिक करके यहाँ पे लिखनी है। दलदल डैश पर मत चल, डैश कर, डैश पर चल, डैश ऊपर रख, ये आपको बनानी है बुक में। पेज नंबर 12 किताब में बनाएं। ओके, इसको राइट डाउन कीजिए। बच्चे स्वर लेखन की पुस्तक निकालें। पुस्तक में आपको क्या करनी है, पेज नंबर 33 को यहाँ पे बिना मात्रा वाले दो वर्णों के शब्द को लिखना है। ह ल हल, ह ल हल, ऐसे करके आपको लिखना है। ये क्या है, ये आपका हल है। ओके, ह ल हल, ये दो वर्णों के शब्द को आपको लिखना है। इसमें घ र घर, ज ग जग, ख त खत, र थ रथ,
के पेज नंबर 3 भी यहाँ पे आपका क्या है, तीन वर्ण बिना मात्रा वाले तीन वर्णों के शब्द, ये क्या है, मगर, म ग र मगर, क ल म कलम, भ ग त भगत, क ल श कलश, श र क सरक। और इसको की देख के लिखना है, देखिए याद बोल कर लिखना है, इसको बोल बोल के सब लिखना है, क ल म कलम, प क र पकर, कलम पकर, ग ग न गगन, उ ध र उधर, च ल चल, कलम पकर गगन उधर चल, ये आपको बनानी है बुक में। ओके, नो इसको भी आप राइट डाउन कीजिए। स्वर लेखन, स्वर लेखन पेज नंबर, पेज संख्या 3, 4, 5, 3, 4 और 5। फाइव को किताब में बनाए, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।